दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इस्ट पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 कक्षा 10वीं गणित का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर। दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं का, ठीक है, सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा का, दोस्तों 22 जून 2022 को यही पेपर आपकी एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों आपको इस वीडियो में चार सेट बताऊंगा, ठीक है। चारों सेटों में यदि आपने दोस्तों चारों सेटों को अच्छे से लगा लिया तो गारंटी देता हूं दोस्तों आपके 80 नंबर में से एक भी नंबर कम नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का यहाँ पर कोड दिया हुआ है, ठीक है। सो उसके बाद दोस्तों इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ पर समय रहेगा दोस्तों 3 घंटे का इस पेपर का यहाँ पर समय रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, आप इन निर्देशों को ध्यान में पढ़ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर सेट नंबर फर्स्ट पर, ठीक है। यहाँ पर गणित का हमारा सेट नंबर ए है दोस्तों, ठीक है। इसको हम सबसे पहले इसको समझेंगे, ठीक है। आपके दोस्तों प्रश्न क्रमांक एक से लेकर दोस्तों 5 तक के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फर्स्ट सेट देख लीजिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम में 6 नंबर का सही विकल्प आने वाला है। यहाँ पर पहला देख लीजिए दोस्तों आपको मैं प्रश्नों को पढ़कर नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको 4 सेट बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिया है तो 4 ऑप्शन में से आपको 1 ऑप्शन चार्ट का लिखना है। इनके उत्तर आपको इस वीडियो लास्ट में मिल जाएंगे, मतलब यही पर मिल जाएंगे, ठीक है, इसके पास ही। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख ले दूसरा सही विकल्प हमारा दिया है, इसमें भी हमको यहां पर 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट का लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरा हमारा देख लीजिए यहां पर सही विकल्प दिया है, इसमें भी दोस्तों हमको यहां पर 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट का लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिए, चौथे सभी विकल्प में भी दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट का लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पांचवा सभी विकल्प देख लीजिए, पांचवें सभी विकल्प में भी दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट का लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे सभी विकल्प देख लीजिए, छठे सभी विकल्प में भी दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट का लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों इनके उत्तर आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर सेट दिया दोस्तों, इनके उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यही से लगा लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। यदि आपको 80 में से 80 नंबर लाना है तभी इसी वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आएगा दोस्तों हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों ये आपके एग्जाम में 7 नंबर खाली स्थान आने वाले, तो दोस्तों हमको यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर 7 खाली स्थान दिए, इनके उत्तर आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखकर आप इनके उत्तर याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीन में हमको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। यहाँ पर एक तरफ दोस्तों हमको स्तंभ आ दिया है, एक तरफ दोस्तों हमको स्तंभ आ दिया है, आप ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के सही जोड़ी आने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर देख लिया हमको यहाँ पर सही जोड़ी दिए, इनके उत्तर भी दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आराम से यहाँ से देख कर इनके उत्तर लगा लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर चार में हमको क्या करना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपके एग्जाम 7 नंबर का आने वाले, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमको यहाँ पर 7 प्रश्न दिए और इनके उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। यही से देखकर आप इनको उत्तर लगा लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है, सत्य असत्य बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य असत्य का चयन करके लिखना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का सत्य असत्य आने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमको यहाँ पर 6 सत्य असत्य दिखे, मतलब 6 प्रश्न दिए, इनके उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर, ठीक है, यहाँ पर 5 तक प्रश्न कंप्लीट हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाले, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में भी दोस्तों हमको यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिया, 10 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, 11 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम 2 नंबर आने वाला है और 12 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम 2 नंबर का आने वाला है। दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है, ठीक है। चारों सेट में दोस्तों 8वां वाला क्वेश्चन आपको लगा लेना है, कोई सा भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 13 क्वेश्चन देख लिए, 13 क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन दिया है, 14 क्वेश्चन में भी आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15 क्वेश्चन दिया है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16 क्वेश्चन दिया है, तो 16 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 3 नंबर का आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 17 क्वेश्चन दिया है, 17 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में 3 नंबर का आने वाला है, और 18 क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों यदि आपको सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा गणित में यदि पास होना हो और अच्छे नंबर लाना है तो इन चारों सेटों को आपको अच्छे से लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी दोस्तों, आपको इस वीडियो में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर तो आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर आपको आपकी बुक से लगा लेना है और याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 19 क्वेश्चन देख ले, 19 क्वेश्चन आपके एग्जाम 3 नंबर का आने वाला है, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम 4 नंबर का आने वाला है, और 21 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर 4 नंबर का आने वाला है, और 22 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है, और 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर 4 नंबर का आने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर सेट नंबर 1, मतलब दोस्तों सेट नंबर ए वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, गणित का। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं सेट नंबर बी पर चलते हैं। ठीक है, मतलब सेट नंबर हमारा दूसरा पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये गणित का हमारा सेट नंबर बी वाला है दोस्तों, आपको इसको भी लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है, ये आपके एग्जाम 6 नंबर का सही विकल्प आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, इनको उत्तर आपको यही से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा सही विकल्प देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, चौथा देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, छठा देख लीजिए। और अब दोस्तों इनको उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, इनको उत्तर यहाँ से देख कर यही से लगा लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ये आपके एग्जाम 7 नंबर का आने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर 7 का खाली स्थान दिया है, इनको उत्तर भी आपको यही से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। इस एक तरफ दोस्तों हमको स्तंभ फर्स्ट दिया, एक तरफ दोस्तों यहाँ पर स्तंभ बाद दिया। ठीक है, ये आपके एग्जाम 6 नंबर की सही जोड़ी आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इनके उत्तर भी आपको ये से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है दोस्तों, यहाँ पर इनके उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर 7 प्रश्न दिए, इनके उत्तर आपको ये से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है, और इनके उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य असत्य चार्ट का लिखना है। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों, यदि आपने इन चारों सेटों को अच्छे से लगाया तो गारंटी देता हूँ दोस्तों आप एग्जाम में 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, और दोस्तों यदि आपने इन चारों सेटों को नहीं लगाया दोस्तों तो कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों, या आप फेल हो सकते हो। ठीक है, आपको दोस्तों कोई नहीं बताएगा ये चारों सेट। ठीक है, आपको बस वही बताएगा दोस्तों, पुराना है वही बताएगा। ठीक है, तो यदि आपको ट्रस्ट हो दोस्तों तभी इनको पेपर को लगाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लिया, छठे क्वेश्चन में आपकी एग्जाम 2 नंबर का आने वाला है, और 7वां क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 2 नंबर का आना है, 8वां क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 2 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया है, 10वां क्वेश्चन दिया है, और 11वां क्वेश्चन दिया है, ये आपकी एग्जाम 2-2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, और 12 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप 13 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है, और 14 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है, और 15 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, और 17 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 18 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 19 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, 21 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 22 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है, और 23 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर नंबर बी वाला, ठीक है, सेट बी वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट बी मतलब फर्स्ट वाला आपको बता दिया, और ये सेकंड वाला हो गया हमारा सेट है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर तीसरे सेट पर। ठीक है, सेट नंबर हमारा यहाँ पर आएगा दोस्तों सी वाला। ठीक है, यहाँ पर सी वाला सेट देख लीजिए इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में हमको सही विकल्प का चयन करके लिखना है, ये आपके एग्जाम 6 नंबर का आने वाला है, और इनको तो आपको इसी वीडियो यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला दिया है, दूसरा दिया है, यहाँ पर तीसरा दिया है, चौथा दिया हमारा, और पाँचवा छठा दिया है। ठीक है, अब दोस्तों इनको उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है, इनके उत्तर यही से लगाकर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यहाँ पर दोस्तों इनके उत्तर आपको यही से मिल जाएंगे, यही से लगा लीजिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये तो दोस्तों मॉडल पेपर है, ऐसा है, दोस्तों गारंटी देता हूँ यदि दोस्तों ये पेपर आपके एग्जाम में नहीं आए तो दोस्तों चैनल को ब्लॉक कर देना है। ठीक है,
चैनल को रिपोर्ट कर देना दोस्तों, ठीक है। यदि आपकी एग्जाम में ये चारों सेटों में से नहीं आए दोस्तों 80 नंबर का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर स्तंभ आ दिया है, एक तरफ दोस्तों यहाँ पर स्तंभ बा दिया है। आपको यहाँ पर सही जोड़ का मिलान करना है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम 6 नंबर की सही जोड़ी आने वाली है, आपको यहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपकी एग्जाम 7 नंबर का आने वाले, ठीक है। यहाँ पर देख लिया हमको यहाँ पर 7 प्रश्न दिए और इनके उत्तर आपको ये से मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है, सत्य असत्य लिखना है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम 6 नंबर का सत्य असत्य आने वाले। यहाँ पर देख ले दोस्तों यहाँ पर हमको 6 सत्य असत्य दिए, ठीक है, 6 प्रश्न दिए, इनके उत्तर भी आपको ये से मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ये आपकी एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिए 7 क्वेश्चन दिया हमारा, ये भी आपकी एग्जाम 2 नंबर का आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 2 नंबर का आएगा, 9 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, और 10 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, 11 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। दोस्तों मैं मैथ्स का टीचर हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों चारों सीटों में से पेपर बन के आएगा, ठीक है, गारंटी देता हूँ दोस्तों, ठीक है। वो 12 क्वेश्चन देख लेते हो, 12 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, और 13 क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 13 क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन देख लीजिए, 14 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, और यहाँ पर 15 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए हमारा 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम 3 नंबर का आएगा, 17 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 3 नंबर का आएगा, 18 क्वेश्चन आपकी एग्जाम 3 नंबर का आएगा, 19 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 3 नंबर का आएगा, और 20 क्वेश्चन, 20 से लेकर दोस्तों 23 का प्रत्येक क्वेश्चन आपकी एग्जाम 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी एग्जाम 4 नंबर का आएगा, 21 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 22 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, और 23 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा सेट नंबर सी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताया दोस्तों सेट नंबर ए बताया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बताया मैंने सेट नंबर बी बताया, उसके बाद दोस्तों आपको बताया सेट नंबर सी बताया, ठीक है। तो हमारा 3 सेट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हम सेट नंबर डी पर चलते हैं, ठीक है, चौथा सेट पर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट सेट बच गया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ये आपकी एग्जाम 6 नंबर का आने वाले। यहाँ पर देख लीजिए, पहला दिया है दोस्तों हमारा, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया है। उसके बाद उसके बाद 5 और 6 मतलब ये आपके 6 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, यहाँ पर इनको उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके यहाँ पर देख लीजिए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी एग्जाम 7 नंबर के खाली स्थान आने वाले। तो यहाँ पर देख लिया हमको यहाँ पर 7 प्रश्न दिए, इनको उत्तर आपको ये से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है, सही विकल्प सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ स्तंभ आ दिया, एक तरफ दोस्तों हमको स्तंभ बा दिया है, आपको इनके उत्तर यही से मिल जाएंगे। ये आपकी एग्जाम में 6 नंबर के सही जोड़ी आने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपकी एग्जाम 7 नंबर का आने वाले, हमको यहाँ पर 7 प्रश्न दिए, इनके उत्तर आपको यही से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना, सत्य असत्य का बताइए। ये आपकी एग्जाम 6 नंबर का आने वाले, हमको यहाँ पर 6 प्रश्न दिए, इनके उत्तर भी आपको यही से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8 क्वेश्चन में भी आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, और यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिया है, 9 क्वेश्चन में भी आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है। वो 10 क्वेश्चन दिया है, 11 क्वेश्चन दिया है, 12 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, ये 2-2 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और 13 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 14 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ 15 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, और 16 क्वेश्चन यहाँ पर आपकी एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, और 17 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, 18 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, और 19 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों हम चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे, ये आपकी एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों 21 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों 22 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 23 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों ये हमारे सेट ए से लेकर दोस्तों यहाँ पर डी तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 सेट आपको बता दिया है, इन चारों सेटों को आप अच्छे से लगा लीजिए दोस्तों, आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है दोस्तों, आपके पास समथिंग दोस्तों यहाँ पर आपके पास 4 दिन है। 4 दिन में दोस्तों यदि आप एक दिन में एक सेट भी लगाओगे दोस्तों, तो 4 दिन में आपके 4 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, वो यहाँ पर 80 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपको सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा गणित में यदि आपको पास होना है तो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको इन चारों सेट के पीडीएफ फाइल
दोस्तों चारों सेटों की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी जाइए और दोस्तों पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाइए। और यदि किसी स्टूडेंट के यहाँ पर कोई समस्या हो किसी प्रकार की भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।